हेलो बच्चा लोग वेलकम बैक टू दी एडवांस प्रॉब्लम सीरीज मेरा नाम मोहित गोइंक मैंने आई टी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है इस सीरीज में हम लोग एडवांस लेवल के प्रॉब्लम में डिस्कस करते हैं जहां पे वो लोग मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स होते हैं ठीक है ये अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रॉम द टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक के पांच क्वेश्चन ईच सॉल्व करके रखे हैं यू कैन गो एंड चेक द आउट सभी कलिंग आपको नीचे मिल जाएगा सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन ये आपको एक मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है सवाल में कहता है एच इज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन रजिस्टर ऑफ रजिस्टेंस कैपिटल आर ड्यू टू चार्ज क्यू पासिंग थ्रू इट तो हमें इस क्वेश्चन में यह बता दिया गया है कि टोटल चार्ज कितना पास किया है रजिस्टर रजिस्टर से एंड दैट इज क्यू इफ द द करंट करंट इन अब किस तरीके से वेरी कर रहा है वो हमें ऑप्शन में दिया है इफ द करंट इन द रजिस्टर डिक्रीजेस डाउन टू जीरो यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल टी नॉट देन हीट इज इक्वल टू फोर क्यू स्क्वेर आर अपॉन थ्री टी नॉट या फिर टू क्यू स्क्वेयर आर अपॉन थ्री टी नॉट तो हमें ए या बी में से एक सही चूज करना है और जो सेकेंड वेरिएशन है करंट का दैट इज डिक्रीजेस डाउन टू जीरो विथ इट्स वैल्यू बिकमिंग हाफ आफ्टर एवरी टी नॉट सेकेंड्स राइट तो यहाँ पे ये यह जो वेरिएशन uh, है दिस इज सिमिलर टू योर हाफ लाइफ जो हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो इक्वेशन होता है वही हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो चलिए एक एक करके हम लोग पार्ट्स को सॉल्व करते हैं तो जो पहला पार्ट है वेरिएशन का दैट इज डिक्रीजेस डाउन टू जीरो यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल टी नॉट ठीक है जब भी आपके पास ऐसा कुछ वेरिएशन हो कि वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज uh, कर रहा है तो हम यहाँ पे जो करंट का वेरिएशन है वो कुछ ऐसा मान सकते हैं लेट अस से दैट आई इज इक्वल टू ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मेट एम टी प्लस सी एम टी प्लस सी राइट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट का है तो हम यहाँ पे कंडीशन बोल सकते हैं दैट एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो लेटस से आपका करंट जो है वो मैक्सिमम था एंड एट टाइम टी इक्वल्स टू टी नॉट आपका जो करंट है वो ज़ीरो हो गया है ये दो कंडीशन को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं वेन यू पुट द फर्स्ट कंडीशन समय शून्य पे आपका आई आई नॉट है तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इज़ योर आई नॉट दिस इज़ योर जीरो प्लस सी तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि सी आपका आई नॉट है और जब सेकेंड कंडीशन पुट करेंगे यानी कि आई आपका जीरो हो रहा है एट टाइम टी नॉट एट टाइम टी नॉट और आपका सी तो आई नॉट है ही तो यहां से मेरा जो स्लोप है यानी कि जो m है वो निकल के आ रहा है माइनस आई नॉट बाई टी नॉट तो हम यहां से फाइनली कह सकते हैं जो करंट है दैट इज इक्वल टू m की जगह हम लिखेंगे माइनस आई नॉट बाई टी टी प्लस और c की जगह हम लिखेंगे आई नॉट सो i इज इक्वल टू I नॉट ब्राकेट वन माइनस टी अपॉन टी नॉट ठीक है तो ये अपना करंट का वेरिएशन हो गया अब हमें हीट सॉल्व करना है तो बच्चा क्या करेगा यहाँ पे आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेल कर देंगे लेकिन आप जब उसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आंसर आई नॉट के टर्म्स में आएगा लेकिन हमें आंसर आई नॉट नहीं क्यू के टर्म्स में है तो सबसे पहले हमें टोटल चार्ज क्यू जो फ्लो किया है उसे रिलेट करना होगा इस आई नॉट के साथ बात समझ में आ रही होगी तो क्या हम इस Q को लिख सकते हैं इंटीग्रल आई डी टी इंटीग्रल आई डी टी फ्रॉम टाइम जीरो टू टी नॉट एकदम लिख सकते हैं सर तो इसे इंटीग्रेट कीजिए आई नॉट आपका बाहर आ जाएगा दिस इज इंटीग्रल वन माइनस टी बाई टी नॉट डी टी लिमिट आपका जीरो से लेके टी नॉट तक हो जाएगा ठीक है सर सो दिस इज योर आई नॉट इंटीग्रल जब करेंगे तो ये आपको आ जाएगा t माइनस टी स्क्वेयर बाई टू टी नॉट जीरो से लेके टी नॉट आप यहाँ पे वैल्यूज को सब्सिट्यूट करें तो ये आपको निकल के आएगा आई आए नॉट टी नॉट बाई टू एंड दिस इज इक्वल टू योर चार्ज फ्लोन ठीक है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेरा जो आई नॉट है दैट इज योर टू क्यू बाई टी नॉट तो हमने यहाँ पे रिलेट कर लिया है आई नॉट को और चार्ज फ्लोन को अब बहुत मुश्किल बात नहीं है हमें जब हीट सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे कहेंगे आई स्क्वायर आर डी टी जीरो से लेके टी नॉट टाइम इंटरवल तक आई का स्क्वायर यानी इस फंक्शन का भी स्क्वायर करना है तो आई नॉट का स्क्वायर होगा उसे बाहर खींच लीजिए ये आपको हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर कैपिटल आर इंटीग्रल अब आपको वन माइनस टी अपॉन टी नॉट होल स्क्वायर डी टी इसे करना है इंटीग्रेट तो इसका इंटीग्रेशन हम एक बार में लिख सकते हैं दिस इज योर आई नॉट स्क्वायर आर और इसका इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा वन माइनस टी बाई टी नॉट क्यूब डिवाइडेड बाई क्यूब थ्री तो थ्री नीचे आ जाएगा और यहाँ पे टी का जो कोफिशेंट है दैट इज योर माइनस वन बाई टी नॉट माइनस वन बाई टी नॉट तो वो भी आपको डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो माइनस वन बाई टी नॉट डिनोमिनेटर में है तो बेसिकली वो ऊपर चल जाएगा सो so माइनस टी नॉट ठीक है और इसमें हमें लिमिट लगाना है जीरो से लेके टी नॉट ठीक है अब यहां पे आप जब आ, टी की जगह टी नॉट लिखोगे तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा सो बेसिकली क्या हो रहा है ये दिस इज योर माइनस टी नॉट आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन थ्री टी नॉट पुट किया तो जीरो और जब जीरो पुट किया तो ये आपको हो जाएगा सिंपली माइनस वन सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो दिस इज योर टी नॉट आई नॉट स्क्वेयर पहले थ्री लिख लेते हैं आर भी लिख लेते हैं आई नॉट स्क्वायर को हम यहां से रिप्लेस करेंगे तो ये आपको हो जाएगा फोर क्यू डिवाइडेड बाई टी नॉट स्क्वायर सो दिस बिकम्स योर फोर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर टी नॉट से एक टू खत्म दिस इज योर थ्री टी नॉट सो दिस बिकम्स योर हीट एच दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो ये हमारा इस दो में से एक तो हमें क्लियर हो गया है कि ए सही और बी गलत है नाउ लेट अस मूव टू दिस सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जहां पे आपका वेरिएशन जो है दैट इज रिलेटेड टू योर हाफ लाइफ ठीक है तो आप अगर आपको उस रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट याद है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो करंट का वेरिएशन होगा दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस लामडा टी माइनस लामडा टी जहाँ पे लामडा होता है आपका लॉग टू डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ और यहाँ पे हाफ लाइफ है टी नॉट हर टी नॉट सेकेंड पे हाफ हो जाता है करंट फिर से वही कि सबसे पहले हम चार्ज और आई नॉट को रिलेट करेंगे तो यहाँ यहाँ लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू आई डी टी और यहाँ पर टाइम लिमिट्स क्या लेंगे ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी ठीक तो करंट की जगह यहाँ पे लिखिए तो आई नॉट बाहर आ जाएगा ई टू द पावर माइनस लामडा टी डी टी ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी इसे मारिए इंटीग्रेट तो ये आपको हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लैमडा टी और माइनस लैमडा आपको डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा दिस बिकम्स योर ज़ीरो टू इन्फिनीटी इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा और जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये वन हो जाएगा सो दिस इज़ बेसिकली आई नॉट डिवाइड बाई माइनस लैमडा जीरो माइनस वन सो ये आपको सिंपली आई नॉट बाई लैमडा ही है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मेरा आई नॉट है वो आपको क्यू टाइम्स लैमडा है और लैमडा आपको लॉग टू बाई टी नॉट है लॉग टू बाई टी नॉट तो यहां से हमने आई नॉट और चार्ज को रिलेट कर लिया आपस में ना लेटस मूव टू योर हीट हीट आपको हो जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी लिमिट तो वही रहेगा जीरो से इंफिनिटी तक सो आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाहर कैपिटल आर भी आपका बाहर आ जाएगा ठीक है इंटीग्रल यहां पे आपको ई टू द पावर माइनस टू लामडा स्मॉल टी डी टी एंड लिमिट गोज फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ठीक सो दिस बिकम्स योर आई नॉट स्क्वायर कैपिटल आर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस टू लामडा टी और आपको माइनस टू लामडा नीचे की तरफ आ जाएगा दिस इज योर ज़ीरो टू इन्फिनीटी फिर से वही है इन्फिनिटी पुट किया तो जीरो और जीरो पुट किया तो वन सो बेसिकली ये माइनस भी आपका यहाँ से गायब हो जाएगा और हम इस आई नॉट को रिप्लेस कर देंगे इस वाले चीज़ के साथ ठीक है सो वॉट डू वी हैव ओवर हियर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे आई नॉट स्क्वायेर आर अपॉन टू लामडा ठीक है फिलहाल क्या करते हैं ना इस नॉट को पहले लिख लिखते हैं क्यू इन लामडा तो ये आपको हो जाएगा क्यू स्क्र लामडा स्क्वायर आर अपॉन टू लामडा तो पहले इस लामडा लामडा को कट ही कर देते हैं ठीक है और अब इस लैमडा को रिप्लेस कर दीजिए इस वाले चीज से विच इज लॉग टू बाई टी नॉट लॉग टू बाई टी नॉट ठीक है सो so, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये आपके पास क्यू स्क्वायेयर आर लॉक टू अपॉन टू टी नॉट विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा एंड डी इज दी इनकरेक्ट आंसर ठीक तो आई होप आपको यहाँ पे ये यह पूरा प्रॉब्लम समझ में आया है किस तरीके से हमने इसको हैंडल किया है हम लोग ऐसे ही और सवालों में मिलते रहेंगे तब तक के लिए टेक केयर बाय